घर बैठे बैठे कर रहा साल है। इन बेल को घंटा फर्क नहीं है, पहले भी घर पे था तभी खुशहाल है, कुछ मार के कर कुछ भार में। तो हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, कैसे हो? तो लास्ट एपिसोड में हमने स्काई फैक्ट्री में बहुत कुछ काम किया था और मैंने ऑफलाइन भी बहुत कुछ काम किया, देख सकते हैं आप। मैंने ये पूरा एक स्टेडियम टाइप बना दिया, अभी और करूँगा ऑफलाइन जाकर, लेकिन अभी तो काम है। और आपको मैं और कुछ बता दूँ, मेरे चेस्ट में मैंने कितना सारा काम, देखो कितने सारे सैपलिंग्स और लीव्स और लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ, आप देख सकते हैं, डायमंड्स के नगेट्स दिख रहे होंगे, आयरन के नगेट्स दिख रहे होंगे, वो कैसे, वो आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। वो कल रह गया था क्योंकि कॉबलस्टोन जनरेटर बना नहीं, इसलिए मैंने कहा ये सब कल ही करेंगे। तो मैंने एक एक्स बना दी थी ऑफलाइन जाकर। और अब मैं कुछ लीव्स ले लेता हूँ जिससे मैं कुछ डट्स बना दूँ, और आप देख लीजिए चॉइस डट बनेंगे, और चॉइस डट को हम सी में डालेंगे तो हमें मिलते हैं स्टोन पेबल्स। बताता हूँ कैसे, आप देख सकते हैं इधर, ये मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी मैं सारे डट कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। मैं 2400 घंटे कर सकता हूँ, ये बहुत सेटिस्फाइंग है। और हो गई सारी, तो देख सकते हैं हमें कितने सारी चीज़ें मिल गई। तो मुझे एक स्टैक से ज़्यादा स्टोन पेबल्स मिले, तो इससे मैं कितने सिर्फ 8 ही बना सकता हूँ कोबल स्टोन। और लीव वन पेड़ हो गया यार जब मैं, और अब देखना ये क्या क्या, अरे लगना। हाँ, अगर मैं इन सारे को इस वुडन हैमर से तोड़ूँ, देख सकते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट, आपने मेरे इन्वर्टर में देखा होगा मुझे ग्रेवल मिली है। तो ऐसे ही मुझे सब कुछ तोड़ना है और मुझे ग्रेवल्स कलेक्ट करते जाना है। और मुझे ग्रेवल से, अगर मैं ग्रेवल को सीव करूँ डर्ट जैसे, तो मुझे आयरन और गोल्ड और वो मिल सकते हैं, इधर तक एमरल्ड भी मिल सकते हैं। तो एक बार मुझे, अरे तो मैं बता था वुडन हैमर कैसे बनता है आपको, बस 5, ये तो स्टोन नहीं ये वाला है, 5 आपको प्लैंक्स और 2 स्टिक चाहिए, ऐसे रख देना और बन जाएगा। अब मैं ग्रेवल को सीव करता हूँ, ग्रेवल का यही है। हाँ देखना, ये देखो आयरन नगेट, रेड स्टोन और कुछ क्या क्या कोल और मिल रहे हैं, ऐसे करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास कितने हो गए, एक और आयरन नगेट आ गया, तो एक मेरे हिसाब से बड़ा होना चाहिए, नहीं 10 ही है। अच्छा तो मैं एक और आयरन नगेट आ जाएगा, इससे 2 हो जाएंगे टोटल। तो मैं कुछ और लिस्ट बना देता हूँ क्योंकि हमें 2 नहीं 3 चाहिए, जिससे कि हम एक बकेट बना दें और फिर हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करना है। भाई ये एक और आयरन बन गया, नहीं अभी तो डट बना देते पहले, और एक डट को पहले सीव कर देते हैं जिससे हमें कुछ स्टोन पेबल्स मिल जाए और हमारा काम हो जाए, जिससे हम कॉबलस्टोन से ग्रेवल हमेशा की तरह। और यहाँ पर मैंने ये भी कर दिया है सब, ग्रेव डट कॉबलस्टोन मतलब। अब ये कॉबलस्टोन हमें रख देने हैं जल्दी से, और ये अरे यार मैं भी कहाँ लगा रहा हूँ। हाँ तो अब हमें इस कॉबलस्टोन से हमें ग्रेवल मिलेगी, और ग्रेवल से हम फिर से सेव करेंगे और वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास बकेट नहीं आ जाती। और बकेट आने के बाद हम, अरे यार ये बहुत, और ये वंडरिंग ड्राइवर मुझे ध्यान नहीं पड़ा क्या बेच रहा है। अरे यार ओ वाटर बकेट, ये काम आ सकता है मेरे, अरे यार ये क्या खुला, वो मेलन सीड तो बहुत ज़्यादा काम आएगी मेरे हिसाब से, ग्लोव स्टोन इतना काम पर नहीं, पर मेलन सीड बहुत काम आ सकती है मेरे। तो मुझे कितने चाहिए, एक एमरल्ड का जुगाड़ करना है, तो उसके बाद मेरे पास मेलन सीड आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। खाने की चिंता नहीं होगी, वैसे खाने की है ही नहीं मेरे पास, एप्पल कितने आप देख ही सकते हो। अभी मैं फटाफट से सीव कर देता हूँ, और ये बस इतना ही यार, बड़ा छोटा था। और ये एक बन गया, और यार एक और आयरन होना चाहिए मेरे पास है वो, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने बनाया नहीं होगा, इतने बने हैं तो मुझे और बनाना पड़ेगा। तो मुझे और कॉबलस्टोन चाहिए होंगे, अरे यार ये बार बार क्या खुल जाता है, मुझे गुस्सा आता है इस पर। तो इसके लिए हमें करने होगा डर्ट बनाने होंगे, और डर्ट के लिए हमारे पास पड़े हैं लेकिन चेस्ट में, लीव्स ले लेता हूँ मैं, लीव्स का ये रही। हाँ एक स्टैक बहुत होगी, इससे कितने 7 बन जाएंगे, ओके ठीक है परफेक्ट। 7 को अब मैं इधर कर लेता हूँ जिससे मुझे स्टोन पेपर मिल जाए, और स्टोन पेपर से मैं अपना वाटर बकेट बना दूँ, मतलब कॉबल स्टोन बना के उससे वाटर बकेट। और ये 2 मेरे हिसाब से 2 बहुत होंगे। चलो करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, ये हो गया
अब इसको सेव करना है और ये हो गए। इससे मुझे एक और आयरन और एक बकेट बन गया। बस अब इस बकेट से मैं ले लेता हूँ लावा, और लावा और यार, अरे यार इधर रखूँगा तो सब जल नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इधर लीफ लगा देता हूँ। ओके ओके आई थिंक, रुको मुझे, मैं इसको वापस नहीं डाल सकता। नहीं यार मुझे पहले वाटर बकेट उठाना चाहिए थी, तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फटाफट फटाफट, मेरे सब कुछ जल जाएगा, मेरे कुछ सब कुछ जल जाएगा, जल्दी इधर इधर, हाँ इधर आप देख सकते हो गया। ओ ये फायर कहाँ से लगी, फायर कहाँ से लगी, नहीं शेट शेट शेट, रुको, हो गया काम, आप देख ही सकते हो गया मेरा ये काम। अब मुझे एक वुडन पिकैक्स बनाने पड़ेगा यार, देख सकते हैं आप, मुझे इससे डायरेक्ट ग्रेवल मिलेगी। तो ये कॉबलस्टोन और ग्रेवल जनरेटर है, कोई भी मान लो यार, हमें मिल रही है, बस ये आ गई। तो मेरे पास चार हो गई है, और जाते हैं अभी तो मुझे चाहिए होगी प्लैंक्स, प्लैंक्स से मैं बनाऊँगा स्टिक्स, और स्टिक्स से मैं बनाऊँगा क्या कहते हैं पिकैक्स। ये रही पिकैक्स, और तोड़ो एक दो तीन चार। अरे ये बल गया यार, जल गया, मतलब ये जल क्यों जाता है। मुझे तीन ही चाहिए अभी, जिससे मैं वो बना सकता हूँ क्या कहते हैं स्लैब। क्या मेरे पास दो कैसे हुए। मैं पहले एक बना देता हूँ स्लैब वुडन का, क्योंकि हमें उधर लगाना है, पर यार समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से एक और तोड़ देते हैं, कुछ नहीं बैठ कर तोड़ते हैं जिसे हमें मिल जाए। और हो गया, और चलो, और ये कहाँ है, ये रहा। बस अब हमें इसके ऊपर लगाना है, जिससे ये लावा, मतलब इसका ये फायर स्प्रेड ना हो और मेरा प्लेटफॉर्म ना जला दे। ये तोड़ो, और ये प्लैंक का है, मेरे प्लैंक का है, ये रहे। तो प्लैंक लगा देते हैं इधर, जिससे ये बंद हो जाए। बस अब इसको सब कुछ अंदर रख देता हूँ मैं, एक बार ऐसे करता हूँ सब कुछ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ अंदर रख दिया है, और मैंने कुछ मतलब जो काम काम की चीज़ें वो ले लेता हूँ। ग्रेवल से मुझे सीव करना है, अभी मैं कुछ कोबलस्टोन ले लेता हूँ जिससे मैं कुछ बना सकूँ, और वो है स्टोन हैमर। स्टोन हैमर से थोड़ा काम ईजी होता है, क्योंकि वुडन हैमर की HP जो होती है वो लो होती है। तो मैं जल्दी से ये कर देता हूँ, और मुझे टोटल कितने पाँच चाहिए, हाँ पाँच ये हो गए। तो चलो छः ले लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्या पता काम आ जाए। तो चलो, और ये यार ये क्या, ये पेड़ को काटना पड़ेगा। एक इधर फायर लावा बना देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इधर ऑब्सीडियन लगा दूँगा नीचे, जिससे क्या होगा आसान होगा खोदने में। अब मैं इसे तोड़ता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट देखो कितनी जल्दी टूट रहा है, अरे बहुत आ रहा है। तो मैं कुछ ग्रेवल्स कलेक्ट करके आपको मिलता हूँ। तो हाँ अभी के लिए इतना बहुत होगा, अभी मैं सब सीव कर देता हूँ जल्दी से। हाँ जल्दी 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 जल्दी, तो हाँ ये भी हो गया। चलो चलते हैं, और अब मैं सब कुछ चेस्ट में रख देता हूँ। ये देखो 29 आयरन नगेट, इसका आयरन बना देंगे। रुको पहले सब कर देता हूँ। 8 एमरल्ड, मुझे टोटल 5 एमरल्ड चाहिए ना वो बकेट के लिए, बकेट क्या उसके लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ और कुछ कलेक्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारे कॉबलस्टोन तोड़े, बहुत सारे ग्रेवल से सीव किया। आप इंजॉय करें उस वीडियो को पूरा देखें, और मैं मिलता हूँ इन सब प्रोग्रेस के बाद।
तो हाँ, आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ कर दिया है। अब चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे और जितने भी मैं ब्लॉक बना सकता हूँ बना देता हूँ, क्योंकि आगे ब्लॉक्स का बहुत काम आने वाला है, क्योंकि स्काई फैक्ट्री है, आयरन भी बन रहे हैं 11, दो डायमंड भी बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं आप देख सकते हो। और ये एमरल्ड का भी एक और बन रहा है, मतलब एक जो भी एमरल्ड नगेट बन रहा है, और एक बंदूक बन सकती है, लेकिन मैं भी नहीं बनाने वाला, ये बाद का काम है। तो अभी इसको छोड़ो, आयरन हैम्बर मुझे ज़रूरत नहीं है, आयरन पिकेक्स की ज़रूरत है, वो ले लेता हूँ, काम आएगी आगे। ठीक है, लिम बना दी। ओके, तो अब ठीक है, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं है। हाँ, थोड़े से रेस्टरूम ब्लॉक रह गए, और नहीं, मैं क्रशर अभी नहीं बनाना, गलती से लग गया, सॉरी। तो अब मैं सब कुछ अंदर रख देता हूँ और सब रखता जाता हूँ, ये इधर, ये इधर, ये उधर, आयरन उधर, आयरन ये इधर। मैं कोल के और ब्लॉक बना सकता हूँ, लेकिन वो अगले पार्ट में बना देंगे, कुछ नहीं ऐसा। तो अगले पार्ट में मैं कुछ स्किप करने वाला हूँ, जैसे कि अभी मैं बहुत सारे और कलेक्ट कर लूँगा ऐसे ऐसे करके, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं कुछ गोल्ड के लग गए इंगट बनाने जो बना देता हूँ, और अगले पार्ट तक मैं बहुत सारे आयरन और जमा करके रखूँगा। तो ठीक है, तो हमारे हम टास्क देते थे हमें क्या, तो हमने कॉबलस्टोन जनरेटर बना दिया, बेसिक मिल्टन यानी हमें वो ग्रेवल सेन सब कुछ हो गए। और अगले पार्ट में मैं मॉब फार्म भी बना दूंगा, मॉब फार्म बनाएंगे हम, कैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अच्छा मॉब फार्म बनाना है। और ये भी रख देता हूँ, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, मॉब फार्म बनाने वाले हैं, एरिया को एक्सटेंड करने वाले हैं, और कुछ जनरेटर वनरेटर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, वरना